में आई है वो मैं ही हूँ, इतना एंजॉय कर रही है वो मैं हूँ, मेरी शादी में मेरी भाभी एंजॉय कर रही है, मेरी प्यारी भाभी। तो हम लोग बैठे भैया के साथ खाना। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के कितने बजे? 10 बजने वाले। और इधर देखिए भैया को हल्दी लगने की तैयारी हो रही है। तो अभी सभी लोग कहाँ गए? मिट्टी पानी लाने के लिए, जो रस्म होती है। तो उसके बाद जब घर पे आएंगे तो यहाँ का प्रोग्राम आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। okay. हल्दी रस्म। तो अभी आप जा सकते हैं। थैंक यू। दूसरों का जबरदस्ती बुलाए थे क्या? और इधर देखिए रौनक आकृति का मेकअप कर रही है। बाबू को मैंने तैयार कर दिया और मैं भी तैयार हो गई, रौनक से तैयार हो गई है। तो रौनक काफ़ी अच्छा मेकअप करती है, तो आकृति को उसमें पूरा विश्वास रहता है। आकृति मेरे से जल्दी तैयार नहीं होती, लेकिन देखिए रौनक से तैयार होने के लिए मान जाती है। तो अभी क्या बोलते हैं भैया, इधर परेशान उठाए। और मेरी फ्रेंड भी आई है जिसकी शादी में अप्रैल में हम गए हुए थे, तो उससे भी थोड़ी देर में मिलाएंगे आप लोग को। फिलहाल भी हम बाहर चलते। और ये देखिए छोटी वाली भांजी मेरी, ये बहुत कम बोलती है, बहुत कम वीडियो में आती है ना जी। रौनक रौनक कर रही है घर पे ज़्यादा बोलती है, सही बात है। अच्छा अभी मिट्टी पानी आ गया है और यहाँ से हल्दी रस्म स्टार्ट हो गया है। सब लोग देख सकते हैं पानी है। फ्रेंड दिव्या जो सब्जी काटती है आप लोग को दिख जाएगी। इतना एंजॉय मत करो, सब्जी काट लो। और इधर देखिए मेरी देवरानी है, देखो ये तमीज होता है, हाय बोला जाता है। नहीं सही बात है, बताना पड़ रहा है। देवर की शादी में एंजॉय करते हुए भौजाई लोग हाँ सब्जी में लगी हुई हैं। ऐसे तो फ्रेंड है, लेकिन फिलहाल यहाँ के लिए हम लोग भौजाई बने हुए हैं। हलवाई को किया गया था, लेकिन उन्होंने धोखा दे दिया यार। मेन टाइम पर बोला है लड़कियाँ करेंगी। तो नीचे हल्दी वाला रस्म चल रहा है, ऊपर ऊपर सब्जी वाला रस्म चल रहा है। इज्जतदार बहू बैठी हुई, संस्कारी बहू। कुर्ती में पहन के जब बाहर घूमते तो संस्कारी बहू पता नहीं कहाँ चल जाती है। पीने वाला पानी है? हाँ जी, उसी से खाना बन रहा है। सब्जी में पीने वाला नहीं है, इसको प्यास लगे इसको पानी ही नहीं मिल रहा। हाँ हाँ, वो पीने वाला ही है। देखो आंटी बोल दी, अब जाओ गिलास अंदर होगा रूम में ले लो। रखे थे देखो, एक गिलास ले लो बाबू। पहले प्रतीक्षा बोली कहाँ है? अभी भैया ये सारे खाना खाने वाले हैं, खा जाएंगे अकेले ना, कैसा चोर की तरह बैठे हैं। अच्छा इतना जूम विनती करी, इसको गोबर का पतरी बोला जाता है फ्रेंड। और इस रस्म में दूल्हे खाना खाते हैं, ये रहा यहाँ का खाना। इधर औरतें गाना गा रही हैं। यहाँ मेरा बेटा बैठा हुआ है शांति से।
जीजा जी मुस्कुराते हुए चेहरा दिखाता नहीं। और यह हमारे देवर जी की गाड़ी। आगे भाई, हेलो, आप लोग आगे मत खड़ा, आगे हट जाओ, आगे आगे हट जाओ भाई, नीरज नीरज आगे हट जाओ बाबू, इधर खड़े जाओ, यहाँ लाइन खड़े जाना नहीं है। एंजॉय कर रही है वो मैं हूँ, मेरी शादी में मेरी भाभी एंजॉय कर रही है, मेरी प्यारी भाभी। तो वो बैठे भैया के साथ के खाना खाने के लिए, और यहाँ पर आया पता नहीं क्या है, ज्यादा ही आ गया परेशान।
अपन रात के 12:30 हो चुके हैं और अभी तक हम लोगों ने खाना नहीं खाया, तो आते हैं खाना खाने। बाय बाय। खाना खाए आज में बहुत कुछ सुधार हो गया, बहुत कुछ हो भी जाएगा। ऐसा करते हैं हम लोग ना कि नमो घाटी घूम लेते हैं वहीं पे चाय पी लिया जाएगा, कहाँ रात को घर जाएंगे, झूठा डिस्टर्ब हो रहा है पूरे का। जीजा जीजा नहा के विश्वनाथ मंदिर में लाइन लगा ली, सुनीता जी के साथ दे ली भाई। दीदी को दीदी को नहीं जा रही भाई, ज्यादा ना डिस्टर्ब कीजिए। देवांशु घर चलोगे कि यहीं पर नीत पूरा कर लोगे? भैया चला देवांशु चलो 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 चलो। अरे घर आ गए तो घर चलते हैं ना, घर घर क्यों चलो। हाँ इस टाइम रात के 3 बजने वाले हैं और हम लोग 5 मिनट पहले ही आए तो वहाँ पर धोली में, और उसके बाद फिर मैं देखे यहाँ पर जीजा जी के लिए चाय बना रही हूँ, तो दीदी भी पी लेंगे, जीजा जी भी पी लेंगे। और बड़े वाले जीजा जी आए थे शादी में, छोटी वाली दीदी आई थी, बड़ी वाली दीदी नहीं आ पाई हैं और छोटे वाले जीजा जी भी नहीं आ पाए थे। तो चाय बनाऊँगी सबको देने के बाद, मैं भी सो जाऊँगी और सारे लोग रास्ते में थोड़ा थोड़ा सो लिए थे, लेकिन मैं और आकृति के पापा रास्ते पर बात करते हुए आए हैं। अगर मैं भी सो जाती तो आकृति के पापा को भी नींद आने लगती, फिर डिस्टर्ब होता गाड़ी चलाने में, तो इसलिए हम लोग भी जब भी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो मैं आकृति के पापा के साथ रास्ते पर जाती हूँ और बातें करते हुए आती हूँ ताकि उनको नींद ना आए। तो देखिए चाय तो बोल ही रहा है, और आई होप आज का ये जो हमारा ब्लॉग है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल नए ब्लॉग में आप लोग से हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। ब्रेंड आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा और मैं तो अपना ख्याल रख ही रही हूँ।